गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और जब वो परमात्मा आवे अपने बच्चों को अपना राह बताने के लिए, रास्ता बताने के लिए, उसकी कोई नहीं सुने। हिंदुओं के गुरु सारी गलत बात, सारी झूठी कथा सुनाया करते, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, यही सारी सृष्टि की रचना रहे हैं, इनकी कोई माता पिता नहीं। और परमात्मा कहा करते थे ये तो नाशवान है, इनकी दुर्गा माता है, काल इनका पिता है, जो कि आज इन्हीं की जीवनी में पुराणों में लिखा हुआ है। तो परमात्मा के शत्रु हो गए वे नकली गुरु ब्राह्मण। इसी प्रकार परमात्मा इन मुसलमानों के काजी और मुल्लाओं को लताड़ धिक्कारा करते थे कि तुमने यथार्थ ज्ञान नहीं है परमात्मा के बारे में, नहीं है दारम दारा, वहां तो नहीं है दारम दारा, और तीसों रोजे खून करत हो, कैसे हो दीदारा। कहते हैं दिन में तो रोजे रखे और सांझ ने बकरी मार के खा ली, गऊ मार के खा ली, के पुन कर तुमने तो पाप इकट्ठा कर लिया। तो इस प्रकार से वो दोनों हिंदू और मुसलमान दोनों ही परमात्मा के विरोधी बनते चले गए। किन्होंने बना दिया? नकली गुरुओं ने। लेकिन परमात्मा की समर्थता से कि जिनको लाभ हुआ वो 64 लाख शिष्य कबीर जी के हो गए थे। एक धारणा फैला रखी थी नकली गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने बनारस में, कि जो बनारस में काशी में मरता है वो सीधा स्वर्ग जाता है, और मगहर में जो मरता है, मगहर एक शहर है गोरखपुर जिला के से 25 किलोमीटर आगे बस्ती जिला की तरफ जाते हैं, अब वो कबीर संत कबीर नगर जिला हो गया, पहले बस्ती जिला था, तो वहां से 25 किलोमीटर गोरखपुर, ये गीता प्रेस वाला गोरखपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पे एक मगहर कस्बा है। तो ये पंडित कहा करते काशी के ब्राह्मण, क्योंकि काशी के ही पंडितों से सारे इसको हिंदू धर्म को जो है संदेश मिलता था, ऐसा करो आदेश मिलता था। तो वो कहा करते थे भाई काशी में जो मरेगा वो सीधा स्वर्ग में जाओगा, और मगहर में जो मरता है वो गधा बनता है, मगर मत मरियो कोई भी। परमात्मा कहा करते थे भाई सच्ची साधना करो, सत भक्ति करो, और कितना मरो, अच्छे भक्ति करने वाला कहीं भी मृत्यु होती है सीधा अपने यथा स्थान पर जाएगा, जिस भी लोक की उसने भक्ति कर रखी है। और पापी पापात्मा भक्ति गलत शास्त्र विरुद्ध करने वाला मगर मरो चाहे काशी, वो सीधा नरक में जाओगा। अब ब्राह्मण लोग इस बात का विरोध किया करते थे, ये बना दुल्हा तो झूठा है, कपटी है, ये सारी उल्टी बात करता है, ये सब धर्म धर्म के विरोध धर्म का विरोधी है। तो परमात्मा कहने लगा भाई मैं मगर में मरूंगा, जब सतगुरु परमात्मा कबीर बंदी छोड़ दी इस लीला में शरीर में 118 साल के हो गए, 120 साल के सन 1518 में और संवत 1575 में, कहने लगे कि मैं मगहर में शरीर छोड़ूंगा, और भाई तुम अपने पोथी पत्रे लेकर आ जाइए ब्राह्मणों, और देखियो मैं कहां जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा या नरक जाऊंगा। उस समय तक परमात्मा कबीर जी की लीला से महिमा से परिचित होकर के काशी का नरेश वीर देव सिंह बघेल, वीर सिंह बघेला के आ करते सिंपल लैंग्वेज में, वो भी कबीर परमेश्वर जी का शिष्य थे, और मगर का नवाब बिजली खां पठान था वो भी परमात्मा के शिष्य हो गए थे। एक बहुत कभी सुनाएंगे ये सारी कथाएं आप जी को धीरे धीरे।
तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मैं मगर में जाकर शरीर छोड़ दूंगा और 120 साल की उम्र शरीर मालिक का दिखा था और मगर से काशी से पैदल चले थे, मगर पहुंचे, 3 दिन में पहुंचे और साथ में काशी का नरेश सेना लेकर चल पड़ा वीर सिंह बघेला, वीरदेव सिंह बघेल के, वहां अपने गुरुजी शरीर छोड़ेंगे, इनके सब को हम काशी लावांगे, काशी में लाकर अपने हिंदू रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे, मुसलमानों का हाथ नहीं लगने देंगे। और उधर से काशी के लोग ब्राह्मण और देखणीय बने चल पड़े, वहां मगर पहुंचे तो वीर बिजली खां पठान नरेश, वो भी कबीर जी का शिष्य था मुसलमान, उसने पता चला कि गुरु जी आ रहे हैं और यहां शरीर छोड़ेंगे, तो उनने उनको पता चला कि काशी का नरेश वीरदेव सिंह बघेल सेना लेकर आ रहा है और गुरु जी के शव को वहां ले जाना चाहता है। तो बिजली खां पठान ने कहा, अपने सेना तैयार कर ली कि हम इस शरीर को नहीं देंगे इनको, क्योंकि ये हमारे यहां मृत्यु होगी तो हम अपनी मुसलमान रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। जब कबीर जी वहां पहुंचे, परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मैं स्नान करूंगा बिजली खां, क्योंकि बिजली खां पठान ने सभी की खाने की आहार व्यवस्था करवा रखी थी। तो कबीर उस बिजली खां पठान ने कहा कि प्रभु यहां एक साथ में दरिया बहा करती थी, एक आमी नदी है मगर के बिल्कुल साथ से बह रही है, ये दास 3 बार देख कर आया, उनको साथ में सैकड़ों भक्त गए थे, वहां यादगार बनी हुई परमात्मा ने जहां लीला की थी। ये आमी नदी यहां से बह रही थी, अब सूख गई है, शिवजी ने श्राप दे रखा है इसको, और शिवजी ने श्राप दे रखा है यहां पानी नहीं है नीचे का, इस मगर के अंदर पीने का पानी नहीं है, परमात्मा हे गुरुदेव हमने दूर से पानी मंगाकर व्यवस्था करवा रखी है, आपके लिए नहाने का पूरा व्यवस्था है। परमात्मा बोले नहीं, मैं बहती हुई नदी में स्नान करूंगा। तो मजबूरी बताई जी, यहां नदी दरिया बहा करती थी लेकिन ये सूखी हुई है शिव जी के श्राप से। परमात्मा बोले मुझे दिखाओ कहां वो दरिया, वो ज्यादा से ज्यादा वहां उस लीला स्थल से 400 फुट की दूरी पर है दरिया, आज भी है वहां पर। तो वहां परमात्मा खड़े हो गए जाकर, सूखी पड़ी वो दरिया, और परमेश्वर ने ऐसे संकेत कर दिया जैसे ऐसे करते हैं ट्रैफिक वाले सिपाही खड़े होना और फिर गाड़ी सारी चल पड़ती है, ऐसे परमात्मा ने ऐसे कर दिया, ऐसे किया था तो काफी दूरी पर जैसे कोई बम फटा हो ऐसा आवाज हुई धमाका उठा और वहां से फिर वो दरिया एकदम पूरी भरकर चल पड़ी। ओए होए, 5 मिनट के अंदर अंदर वहां खड़े खड़े वो लबालब भरगी दरिया और बहन लाए, आज तक चल रही है वो दरिया। सब बोलो सतगुरु देव की जय। अब परमात्मा कहते हैं, तो गरीबदास जी कहते तुम कौन राम का जपते जापम तात कटेना तीनों तापम, ये श्राप दे देना 3 ताप के अंतर्गत है, वहां से पानी खत्म कर दिया नीचे और दरिया का, और परमात्मा ने 3 ताप को काट दिया, समाप्त कर दिया, वहां जल बहा दिया और नीचे भी मीठा पानी प्रवेश कर दिया कबीर परमेश्वर जी। अब वो स्नान करने कर अपना सबने स्नान कराया, जितने भी जा रहे थे निर्मल जल पिया और परमात्मा कहा भी मैं शरीर छोड़ दूंगा, तो श्रद्धा से नीचे एक चादर बिछाई सफेद, चादर के ऊपर थोड़े थोड़े फूल आधा इंची यानी पूरे बिछा जी, यानी गुरु जी लेटेंगे श्रद्धा के साथ, फिर परमात्मा उसके ऊपर, और फिर परमात्मा ने कहा भी वीर सिंह, इधर वीर सिंह खड़ा है, इधर बिजली खां खड़ा है मुसलमान, इधर हिंदू राजा खड़ा है, कि भी तुम ये सेना किस लिए खड़ी कर रहे हो, तुम यहां मेरे अंतिम संस्कार के लिए आए हो या तुम लठ बजाना आ रहे हो, दोनों नीचे गर्दन कर ली, कोई ऐसा नहीं बोला है। जो दूसरे और हिंदू और मुसलमान खड़े थे इधर उधर, वो कहने लगे महाराज जी हम आपके शरीर को, मुसलमान कहते हैं हम आपके शरीर को
इन काफिरों के हाथ नहीं लगने देंगे हिंदुओं के, हम अपने हिसाब से मुसलमान रीति से आपका अंतिम संस्कार करेंगे। अब हिंदू कहते हैं कि हम इन आपके शरीर को इन मांसाहारियों को नहीं देंगे, इनको नहीं देंगे मुसलमानों को, हम हिंदू रीति से आपका अंतिम संस्कार करेंगे, आपके शव के इनका हाथ भी नहीं लगने देंगे, हम युद्ध करके फैसला करेंगे। कबीर जी कहने लगे, रे निकम्मे, 120 वर्ष हो गए मैंने ये बात बताते हैं ना कि हिंदू और मुसलमान दो नहीं भाई, इस मान यो शरीर है, मेरा शरीर तो तुम्हारे जैसा नहीं है, लेकिन आपका शरीर है ये मट्टी है, इसने गाड़ दो चाहे फूक दो, इसने ये कुछ नहीं काम आने का जो भक्ति ठीक ना करी थे, और खबरदार जो तुमने झगड़ा किया है थे मेरे से बुरा नहीं होगा। अब परमात्मा की वो शक्ति से परिचित थे कि गुरु जी रुष्ट हो गए तो हानि भी हो सकती है, लेकिन वो इन सोच रहे थे कि ईब ना बोलाम और गुरु जी एक बार शरीर छोड़ दें मर जा और फिर देख लेंगे हमने जो करना वो करना ही करना है, मन में सारी खोट था, वो अंतर्यामी थे परमात्मा कबीर जी, उन्होंने वो जानते थे कि नाश करेंगे, ग्रह युद्ध हो जाएगा, महाभारत से भी भयंकर युद्ध हो जाना था जब परमात्मा अपनी समर्थता का वहां प्रमाण नहीं देते थे। फिर कहने लगे, वह बात सुन लो, मेरा शरीर तुम्हें मिले, इस दो चद्दर एक नीचे बिछाऊंगा एक ऊपर उड़ूंगा, इसमें तुमने अगर शरीर मिला है इसको काट लियो भाई, दो हिस्से कर लेना और लड़ियो ना, एक चद्दर तुम ले लेना एक ये ले लेंगे, ये जुल्म मत करना। अब जब तो वो कह रहे थे, वो सुन रहे थे, अंदर से जगह नहीं थी उनके, तो परमात्मा ने ऐसा किया, कबीर जी ने उस एक चद्दर नीचे बिछा रखी थी, थोड़े थोड़े फूल बिछा रखे थे उन पर लेट गए, ऊपर से दूसरी चद्दर ओढ़ ली और वहां एक पर्दा सा लगवा लिया था वो अपने चारों तरफ, और थोड़ी सी देर में ऊपर से आकाशवाणी हुई कि देख लो भाई चद्दर उठाकर उसमें मेरा शरीर नहीं और मैं सतलोक जा रहा हूं, स्वर्ग से भी ऊपर, ब्राह्मणों खोल लो थरे पतरियाने में देख लो कहां मगर मरिया हूं, मगर से जा रहा हूं शरीर छोड़कर सह शरीर जा रहा हूं। तो जब उन्होंने पतरे खोल खोल देखे, अकबाई तो सचमुच सारे संस्कार ही बदल गए, यहां तो सीधे स्वर्ग से भी ऊपर महास्वर्ग में जा रहे, उनकी महास्वर्ग तक दृष्टि थी। परमात्मा ने आप ऊपर से कहा कि ये चद्दर उठाकर देख लो, इसमें कुछ नहीं मिलेगा, आधा आधा सामान ले लेना बच्चों, लड़ाई मत करियो। अब दोनों जब वो चद्दर उठाई तो उसमें सुगंधित फूल सब के आकार का ढेर मिला, सुगंधित फूल ये फ्लोवर पाए उसमें, आधे मुसलमान ले लिए आधे हिंदुओं ने, एक चद्दर हिंदुओं ने एक मुसलमानों ने, और वहीं पर मुसलमानों ने तो अपने वो फूल नीचे गाड़ दिए, हिंदुओं ने वो जलाकर राख करके वहां नीचे गाड़ी नवी नीचे दिए, उन पर भी यादगार है, उन पर यादगार है। तो उस समय हिंदू और मुसलमान कहां तो आपस में कटका मरण आए थे लड़ने के लिए, एक दूसरे से मिल मिलकर ऐसे आपस में सीने से सीना लगाकर रो रहे हैं जैसे बालका का बाप मर जाया करे, वो चिपट लपट कर रोया करते हैं, और कहते थे कि हम नीच थे, हम महापापी हैं, हमने भगवान को पहचाना नहीं, ये तो स्वयं मालिक आए हुए थे। इस प्रकार पुण्यात्मा वो परमात्मा समर्थ थे, और समर्थ परमात्मा ने ही वो महाभारत से भी भयंकर युद्ध समाप्त कर दिया, नहीं होने दिया। उससे पहले आसपास के जो ज्योतिषी थे वो बताया करते थे कि इस वर्ष में एक भयंकर युद्ध होगा, बहुत ज्यादा नरसंहार होगा, और उसके बाद वो परमात्मा ने युद्ध टाल दिया। तो वही पत्रों वाले बताने लगे कि वो संयोग ईब बदल गया, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। पुण्यात्मा हमने क्या सुना करते, एक राम था एक रावण था, राम को वनवास हो गया, सीता रावण ने सीता ठाली, उड़ा लड़ाई होगी उल्टे ले आए, लड़ लड़ा कर रावण मार दिया, वापस आ गए,
सीता काट दी, घर से निकाल दी, हाँ फिर कद्दे नहीं मिले दोनों, ये कथाएं सुनाया करते हैं। आप बता, एक बात बताओ, जिसकी पत्नी गर्भवती और पति किसी के कर्ण मात्र थे, एक धोबी के कर्ण थे, उन्होंने कह दिया कि मैं राजा दशरथ का बेटा रामचंद्र नहीं हूं, जो रावण के पास 10 वर्ष रह आई, उसको अपने घर रख लिया, क्योंकि उस धोबी की पत्नी कवा सुनी हो गई थी, 2 दिन अपने चली गई मायके मुंह के उड़त, फिर वापस आएगी बेचारी, तो ना मैं नहीं रखूंगा तने, मैं दशरथ का बेटा नहीं हूं, रावण के पास रही पत्नी को अपने पास रख रहा है। अले इससे बात पर वह सीता निकाल दी, बता क्या का करेक्टर था इनका, अपने आत्माओं इन इतिहास फिर दोहरा के देखो और तुलना करो इस परमेश्वर के ज्ञान से, आपने पता चलेगा हम के पढ़ा करते हैं, उसने हम आचरण कर सकते हैं उनका, अपनी पत्नी ने गर्भवती हो पेट में बालक और घर तक काट दे, कितना मरो कितना जाओ, और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम थे वह नहीं, ये काल ने धक्के दे रखे थे इनको, इनके प्रारंभ में जो लिख रखा था इनने ऐसे भोगना था, रावण उसने श्राप दे रखा था नारद जी ने किसको, श्री रामचंद्र विष्णु जी को, और इस तरह उसने कर उसके बस की बात नहीं थी, इस प्रारंभ ने टाल कर दे काट दे, लेकिन कबीर परमात्मा ही हमारे बैड बुरे कर्मों को पाप कर्मों को काट सकते हैं, इसलिए कहते हैं तुम कौन राम का जपते जापम अर्थात कटना तुम्हारे तीनों तापम। अब परमात्मा कबीर जी जब यहां से चले, पुणात्माओं आप केवल भक्ति के केवल भक्ति से पार नहीं हो सकते, ये भूल मत करना। कहते इन बात क्या पाई ये कर सतगुरु नजर निहाल, के गुरु जी की कृपा गुरु जी का क्या कृपा पात्र बना रहना पड़ेगा आपको, अगर आप जी ने कितनी भक्ति करते रहना और गुरु जी त्याग दिए तो कभी सतलोक नहीं जा सकते, कितनी बात बना लेना, और पृथ्वी पर कोई संत नहीं है आज के दिन इस दास के अतिरिक्त, अभिमान नहीं ये सच समझना, पृथ्वी ने 21 ब्रह्मांड में कोई नहीं है। तो कहने का भाव यह कि जैसे हम यहां से चलते हैं तो शरीर छोड़कर जब हम जाते हैं सूक्ष्म शरीर हमारे साथ होता है, तो रास्ते में बहुत जबरदस्त काल का जाल है, वहां से परमात्मा कबीर जी इस दास के रूप में उनके साथ चलेगा, साथ में जो अंतिम श्वास तक गुरु मर्यादा में रहेंगे, नहीं तो रस्ते में बहुत भयंकर जाल है। तो कबीर इस परमेश्वर जी जा रहे थे या दुर्गा जो है काल की पत्नी, इसने इसको काल ने कह रखा है कि कोई भी जीव मेरे लोग तो बाहर नहीं जाना चाहिए, कुछ भी कर नहीं तो तेरी खैर नहीं है। अब ये फंसते गई इसके अपनी गलती तय, ईव उसके गुलाम बन के और सारे उल्टे सुलटे काम जो काल कहता है सारे करती है। जब परमात्मा जा रहे थे ऊपर, एक सुंदर स्त्री अप्सरा का रूप बना के और वहां परमेश्वर के सामने खड़ी होगी और परमेश्वर से कहने लगी कि आप मेरे साथ विवाह कर लो। परमात्मा ने कहा कि मैं तेरे चक्कर में आने वाला नहीं हूं दुर्ग माया, तो चली जाए यहां से। पहले तो ये दिखाते हैं आपको परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की महिमा, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा लिपिबद्ध किया हुआ जो अमर वाणी है वो सुनाते हैं। कीना मगर पियाना सतगुरु कीना मगर पियाना सतगुरु कीना मगर पियाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, कीना मगर पियाना सतगुरु कीना मगर पियाना सतगुरु कीना मगर पियाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं
वो तज काशी अस्थाना हो, मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं। वो तज काशी अस्थाना हो, साहा सिकंदर कदम लेते हैं पादशाही सुल्ताना वो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। चार वेद के वक्ता संग है, वो खोजी बड़े बियाना हो। सालग राम सुरत से सेवे वो ज्ञान समुंदर दाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई सट दर्शन जाके संग चले वो गावत बाणी नाना हो। यानी सभी हिंदू मुसलमान और ये जितने संत संत से सारे देखने चले वह क्यों कर्म रहेंगे कबीर जी। सट दर्शन जाके संग चले वह गावत बाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट संभाले, अपना अपना इष्ट मनावे, वो बच्चे पोथी पाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई चादर फूल बिछाए सतगुरु, ओए होए वहां चादर फूल बिछाए सतगुरु, देख सकल जिहाना हो। चार दाग से रहत जुलाहा, वो अवगत अलख अमाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। वीर सिंह बगे ला करे बीनती, वो बिजली खान पठाना हो। दो चादर बख्शीश करी है दीना यो परवाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। नूर नूर निर्गुण पद मेला, वो देख भया हैराना हो। पदलोलीन हुए अविनाशी पाया ना पिंड पराना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। शब्द स्वरूप साहेब सर्वंगी, शब्द स्वरूप साहेब सर्वंगी शब्द समाना हो। दास गरीब कबीर अर्स में फर्क दोज निशाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। अब कहते हैं कि चादर फूल बिछाए सतगुरु, देखे सब जहाना हो, सारी दुनिया देखे थी वहां खड़ी खड़ी। और फिर कहते हैं दो चादर बख्शीश करी थी और पाया पिंड न पुराना हो, ना शरीर पाया ना परमात्मा का। दो चादर बख्शीश करके सारे जुल्म को टाल गए भगवात्मा। अब आगे वो दुर्गा मिली जो परमात्मा जा रहे थे, देख्या मगर जहूरा सतगुरु हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झलमल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झलमल देही नूरा हो। या दुर्गा माया आद अर्श से उतरी, अपने ब्रह्मलोक से आकर उस अंतिम छुपे हुए स्थान से आए और परमात्मा के सामने एक सुंदर औरत का रूप बना लिया। परमात्मा ने पहचान लिया अंतर्यामी है। तो माया आद अर्श से उतरी बनी अप्सरा हूरा हो। माया आद अर्श से उतरी, अर्श माने आसमान से, बनी अप्सरा हूरा हो। हम तो बरे कबीर पुरुष को, हम तो बरे कबीर पुरुष को,
तू है दुल्हा पूरा हो, काशी में कीर्ति कर चाले वो झलमल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष मेरा देखो बदन जहूरा हो, माया कहे कबीर पुरुष से देख मेरा देखो बदन जहूरा हो। अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर, अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर, भोगे हमको सूरा हो, काशी में कीर्ति कर चले वो जलमल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चले वो जलमल देही नूरा हो। कह कबीर सुनो री माया हमसे रहियो दूरा, कह कबीर सुनो री माया ये कुटिल नजर तुम घूरा हो। कह कबीर सुनो री माया कुटिल नजर तुम घूरा हो, जिन भोगी सो है कल रोगी, जिन भोगी सो है कल रोगी, वो हो गे धूरम धूरा हो। काशी में कीर्ति कर चले मिले जिन मिल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से मैं हूं जग से दूरा हो, माया कहे कबीर पुरुष से मैं हूं जग से दूरा हो। मैं तुम्हारी पटरानी दासी, मैं तुम्हारी पटरानी दासी, रखूं पलक हजूरा हो। काशी में कीर्ति कर चले झिलमिल देही नूरा हो। कह कबीर सुनो री माया तुम हो लड्डू बूरा हो, बूर के लड्डू एक लकड़ी के बुरा देगा यार ना, दिखने में सुंदर लगे, खाया खाओ तो मुंह में फंस जाए। कह कबीर सुनो री माया तुम हो लड्डू बूरा हो, जो तुझे खावे सो बह जावे, जो तुझे खावे सो बह जावे, उता से अकल के कूरा हो। काशी में कीर्ति कर चले वो झलमिल देही नूरा हो। सेत मुकट जा श्वेत छत्र है और बज अनहद तूरा हो, श्वेत मुकट जा श्वेत छत्र है बज अनहद तूरा हो। दास गरीब कहे सुन माया हमसे रहियो दूरा हो, काशी में कीर्ति कर चले वो झलमिल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चले जलमिल देही नूरा हो। अब परमात्मा की और इस दुर्गा की किस प्रकार वार्ता होती है। माया सतगुरु से अटकी क्या, माया सतगुरु से अटकी, जोगनी अमर क्यों भटकी, रयोग जोगनी अमर क्यों भटकी, हम तो बगली गर जोगी, हम तो बगली गर जोगी, हम नहीं माया के भोगी, हम नहीं माया के भोगी, तो मैं झगड़ा है भारी, तो मैं झगड़ा है भारी, तन मारे बड़े छत्रधारी, मारे बड़े छत्रधारी। अब दुर्गा कहती है सेवा करसू मैं निकी, सेवा करसू मैं निकी। परमात्मा कहते हैं हमको लागत है फीकी, हमको लागत है फीकी, हमारी सार नहीं जानी, हमारी सार नहीं जानी। परमात्मा कहते ने मेरे को समझा नहीं मैं कौन हूं, अरी तत घाल दई घाणी, अरी तत घाल दई घाणी, तंदा जुलम कर रखा सबको यहां फंसाए बैठी है। चलती फिरती क्यों नाही तू, चलती फिरती क्यों नाही, हम रहते अवगत पद्माही, हम रहते अवगत पद्माही, अरे तू तो गैली है गोली, अरे तू गैली है गोली, दाग लगावेगी चोली, दाग लगावेगी चोली। अब माया कहती है मेरा अंजन है नूरी, मेरा अंजन है नूरी, अंदर मैक कस्तूरी, अंदर मैक कस्तूरी। परमात्मा कहते हैं तुम किसी राजा पे जावो, तुम किसी राजा पे जावो, हमरे मन नहीं भावो, हमरे मन नहीं भावो। अब दुर्गा कहती है मैं तो अर्धंगी दासी, मैं तो अर्धंगी दासी। परमात्मा कहते हैं हम हैं अनहद पुरवासी, हम हैं अनहद पुरवासी,
हम तो आद जुगाद जी गी निजी, हम तो आद जुगाद निजी। अरे तुझे माता कहूं अगधी, अरे तुझे माता कहूं अगधी। अब परमात्मा कहते ने बेटी कहूं को माँ कहूं ने कमी, तू कुछ तनाता राख कौन है तुम न्योना बेरा। अब के बोली वाह, अब मैं देऊंगी गाली, अब मैं देऊंगी गाली। परमात्मा कहते देले गाली मारे के चप्प है। हम तो योगी ब्रह्मचारी, हम तो जोगी ब्रह्मचारी। अब वो पहचान नहीं सकी भगवान को, उसने एक साधारण संत मान रही थी। के कहे आसन बांधूंगी जंदा, के आसन बांधूंगी जंदा। गल में डारूंगी फंदा, तेरे गल में डारूंगी फंदा। आसन मुक्तारी माई, हम तो आसन मुक्तारी माई। तीन लोक ना अघाई, तू तीन लोक ना अगाई। हमारे द्वारे क्यों रोवो, मेरे द्वारे क्यों रोवो। किसी राजा रानी को जो वो, किसी राजा रानी को जो वो। कहते किसी राजा के जा, उसने खसम कर, मेरा आगे क्यों रोन दागरी है तुम। हमरे भांग नहीं भूनी, हमरे भांग नहीं भूनी। परमात्मा कहते हम वो सुल्पे पाड़ को ना नशा करके बकवाद कर जाएंगे। हमरे भांग नहीं भूनी, हमरे भांग नहीं भूनी। माया शीस कूटरूणी, माया शीस कूटरूणी। अब माया दुर्गा ने नुडर, अब एक भी जीव चला गया तो काल घड़ेगा तने। अब वह रोए माथा कूट कूट के। तू तो जोगनी है खंडी, तू तो जोगनी है खंडी। परमात्मा कहती है मोरा फेर चली लंडी, मोरा फेर चली लंडी। के छोड़ के चली गई मुंह फेर कर रोती हुई। हेला दीना रे भाई, हेला दीना रे भाई। हंसा परसत ही खाई, ये हंसा परसत ही खाई। क्या कहते हैं, बद नारी लंगर कामनी, ये बोले मुदरे हेत। फेट पड़े छोड़े नहीं, के मग हर कुरुक्षेत्र। बदनारी लंगर कामनी, या बोले मुदरे बोल। फेट पड़े छोड़े नहीं, या काटे घूंघट जोल। परमात्मा कहते जो नकमी औरतें हैं उनसे बच के रहना है, भक्ति मार्ग में उनकी कैसी कैसी गतिविधियां होती हैं वो वर्णन कर रहे हैं। बदनारी लंगर कामनी, जा मैं अनगिन खोट। फांसी डारे बाहा कर, वो करे लाख में चोट। बदनारी लंगर कामनी, ही बोले मुदरे बैन। जाकू नहीं पति जिए, घट घूंघट में सैन। बदनारी लंगर कामनी, बोले मुदरे बैन। जाके पास न बैठियो, उसका कैसा दीन। बदनारी नाही नाहरी, है जंगल का शेर। बाहर भीतर मार दे, मुनि जन कर दिए जेर। परमात्मा कहती नकमी औरताएं ने ऋषि मुनियों को भी जंगलों में ना छोड़ा जाकर, काल प्रेरणा से उनका भी दीन धर्म भ्रष्ट कर दिया, इनसे बचकर है। सतगुर हेला देत है, सुनियो संत सुजान। बदनारी पास न बैठियो हो, बदनारी आई खान। नैनो काजर डाल कर, यु खाए खाए लिए हैं हंस। हाथों मेहंदी ला कर, ये डोब दिए कुलवंश। परमात्मा कहते हैं हमारी बहन बेटियों को इस तरह के आडंबर नहीं करने, ये नालायक औरतें क्या करती हैं। उल्टी मांग भराए कर, मंजन कर हैं गात। मीठी बोले मगन हो, ये लावे बहुविध गात। क्या बेटी क्या बहन है, क्या माता क्या जोए। बदनारी काली नागनी, भाई खाता हो सो खोए खाए। यानी बद कोई भी है, अपनी हो चाहे पराई, नकमी आत्मा नकमा ही हुआ करता है। माया काली नागनी, अपने जाए खाते। अब दुर्गा की तरफ संकेत कर रहे हैं। कुंडली में छोड़े नहीं, भाई सो बाता की बात। अब जैसे नागन होती ना नागनी, वो अंडे उत्पन्न कर देती है, और अंडे को उत्पन्न करके फिर उनको फोड़ती है, उनमें से बच्चे निकलते हैं,
और चारों तरफ अपने ही शरीर की पूछड़ी से एक कुंडली बना लेती है, उनके बीच में रखकर ऐसे फोड़ती है और उसमें से वो बच्चे एकदम फोड़ देती है। बच्चा कोई दुर्भाग रहा है, कोई दुर्भाग रहा है, बाहर निकलने की चेष्टा करता उसके शरीर के ऊपर से, लेकिन जो नहीं निकल पाता है तो वो खा जाती है, उन फोड़ के आप खा लेती है अपने बच्चों को, और उसके खाते समय जो निकल गया उसके कुंडली में तो ऊपर गया, कूद गया बाहर, तो वो जाता है बच। तो परमात्मा कहते हैं यह दुर्गा, ये काल का लोक इस दुर्गा की कुंडली है, इस माया की। माया कई प्रकार की बता दी इस काल के द्वारा फला जाल समझो। माया काली नागनी अपने जाए खात, कुंडली में छोड़े नहीं भाई सौ बाता की बात। जब तक आप इस किस ब्रह्मांड में रहोगे, इनकी कुंडली है काल की, इन मतिया तुमने बक्सा नहीं, निवरण मटी रखेगी। कुंडली में से निकले रैदास दत्त संग कबीर, सुखदेव ध्रु प्रहलाद से नहीं निकले रणधीर। कहते हैं इस माया के इस काल के जाल से बाहर कौन कौन गए। कुंडली में से निकले रविदास संग कबीर, रविदास जी से, कबीर जी की शरण में आकर रविदास जी निकले, और सुखदेव ध्रु प्रहलाद से नहीं निकले रणधीर। ये नहीं निकल पाए सुखदेव ध्रुव प्रहलाद जैसे भी पार नहीं हो पाए। कुंडली में से निकले सुल्तानी बाजीद, और गोपी चंदना भरतरी या लाई डाक फरीद। गोपी चंद और भरतरी पार नहीं हुए, शेख फरीद परमात्मा की शरण माकर डाक मार गया। डाक लाना कहते समझा है तो सिर दर पाओ बहोर नहीं रे ऐसा दो, यानी डाक लगाना बड़ी स्पीड तो दौड़ना, यानी फटाफट बार हो जाना उस डेंजरस प्लेस थे। जनक विदेही नहीं उबरे, नानक बांधी नागनी बांधी डाडे, नानक दादू उबरे भाई ले सतगुर की आडे। ओए होए, कहते हैं राजा जनक के रूप में भी पार नहीं हुई वो आत्मा, नानक जी के रूप में जब जन्म हुआ तब कबीर परमेश्वर की आड लेकर इनकी शरण में आकर ये पार हुए। जनक विधेयी नहीं उबरे, नागनी बंधी डाड, नानक दादू उबरे भाई ले सतगुर की आड। आड माने शरण, ओट। तीन लोक घाणी घली, चौदह भवन बिहंड, माया नागनी खाली है ये सकल दीप नौखंड। बदनारी काली नागनी देखत ही डस खावे, बोले से तपखंड हो भाई पर से सर्वस जावे। बदनारी काली नागनी मारत है बरडंक, सुर नर मुनि जन डस लिए ये खा लिए राव और रंक। बदनारी काली नागनी मारत है बरडंक, शबद गारडू जो मिले जाको नाही संक। हाय हाय, कहते हैं इस तत्वदर्शी संत, यानी ये हमारे पास दो सतनाम है सारनाम, ये गारडू आला मंत्र है। जैसे गारडू होता है उसका जब सांप लड़ भी जा तो उसके पास जड़ी होती है, उससे वो असर नहीं करता। बदनारी काली नागनी मारत है बरडंक, जो शब्द गारडू जो मिले जाको ना ही संक। यानी हम या आप रहते हैं, जैसे आप जिनने शादी कराई है, ब्याह करवाया है, हम भक्ति करते हैं, भक्ति कर इस सतमंत्र से हमारे ऊपर किसी प्रकार का वो दुराचार नहीं करे, ग्रस्त जीवन को हानि नहीं है। इस मंत्र के सहारे हम इस दोष से भी जो है बरी रहेंगे। नाग दमन को नमत है घाल पटार है खेल, भाग्य दिखाते हैं। अब यहां परमात्मा ने तो उन नालायक बहन बेटियों को बताया है जो गलतियां करती हैं, और अच्छी बहन बेटियों माइयों के लिए कितना कलम तोड़ उनकी महिमा गाई है। क्या बताया है, गरीब नारी नारी भेद है, एक मैली एक पाक है, जा उदर ध्रु उपजे है जाकी भरिए साख है। कहते नारी नारी में बहुत अंतर है, एक तो निकम्मी एक पवित्र है, और जिस माता से ध्रु का जन्म हुआ उसको सराहिए, उसको
कामनी कामनी भेद है एक मैली एक पाक, जा उधर प्रहलाद थे जा को जोड़ू हाथे। कहते हैं जिन माताओं ने ऐसे पवित्र ऐसे पुण्यात्माओं को जन्म दिया, ऐसी माताओं को कहते हैं हाथ जोड़ो, आदरणीय है वो। कामनी कामनी भेद है एक उज्जवल एक गंध, जा माता प्रणाम है जा जन्मे भर्तरी गोपी चंद। कामनी कामनी भेद है एक हीरा एक लाल, दत्त गुसाई अवतरे अनसुईया के नाल। ग्रीव कामनी कामनी भेद है एक रोजम एक हंस, जनक विधेयी अवतरे धन माता कुलवंश। जहां ऐसे पवित्र आत्माएं जन्म लिया है ऐसी माताएं कहते हैं धन्य है वो। नारी नारी क्या करे नारी बहुगुण भेव, जा माता कुर्बान है जा उपजे सुखदेव। नारी नारी क्या करे नारी कंचन कूप, नारी सेती उपजे ये नाम देव से भूप। नारी नारी क्या करे नारी भक्त बिलास, नारी सेती उपजे ये धन्ना भगत रविदास। नारी नारी क्या करे नारी कंचन सीध, नारी सेती उपजे बाजीद और फरीद। गरीब नारी नारी क्या करे नारी भौंपित भात, नारी सेती उपजे शीतलपुरी सुनाथ। गरीब नारी नारी क्या करे नारी को निरताए, नारी सेती उपजे रामानंद पंथ चलाए। गरीब नारी नारी क्या करे नारी नर की खान है। कहते हैं नारी सेती उपजे ये नानक पद निर्वाण। गरीब नारी नारी क्या करे नारी सरगुण बेल, नारी सेती उपजे ये दादू भक्त हमेल। नारी नारी क्या करे नारी का प्रकाश, नारी सेती उपजे ये नारद मुनि से दास। नारी नारी क्या करे नारी निर्गुण नेश, नारी सेती उपजे ये ब्रह्मा विष्णु महेश। अब देखो पुण्यात्मा 250 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति भी दुर्गा से हुई, इनका जन्म होता। अब जब ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति हुई तब तक ये नेक नारी थी, उसके बाद इसने काल ने इसको आदेश दे दिया कि कोई भी जीव काल मेरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो उसके बाद ये बद नारी होगी। इसने अपने अधीन धर्म को अपनी अनेक रूप बना लेती है और पता नहीं किस प्रकार से ये काल के जाल में सबको फंसाए रखती है। शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत कबीर, दास गरीब दयाल हैं ये डगे बनावे धी। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी आते हैं अपने यथार्थ ज्ञान को और आप ही अपनी समर्थता को प्रमाणित करके सहश्रीत आते हैं, सहश्रीत ले जाते हैं। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, वो लीला करके गए थे जो भगवान किया करते हैं और वही आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। तो पुण्यात्माओं परमात्मा को अब पहचान लिया हमने, अब कहते समझा है तो सिर दर्पाओं बोर नीरे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरु दे। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।